थैंक्स सो मच. आई वांट टू विश ईच एंड एवरी बिल्डर ओवर हियर जिनका स्टॉल लगा हुआ है ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत मजा आया. पहली बार ऐसे चीज देख रही हूँ मैं लास्ट गेट पे. वाकई बड़े प्यार से उन्होंने पूरा कैमरा खाली किया ना. तो कैमरा कौन बोल रहा है. जैसे मैंने कहा कि बड़े प्यार से इन्होंने ये एग्जीबिशन उन्होंने किया है. बड़े प्यार से सारे इतने सारे बिल्डर्स को एक ही छत के नीचे उन्होंने किया है. सो आई रियली अप्रिशिएट इट. और नवी मुंबई और मुंबई में फर्क बस थोड़ा एक घंटे का डिस्टेंस है. रेगुलर इतने सारे बिल्डर्स में कोई अच्छा डिस्काउंट है तो अंदर बहुत अच्छा लगा है आके. सो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड बस यही मैं चाहूँगी कि इसको और आगे धन्यवाद. मुझे भी अच्छा लगा कि हाथ जा रहा है. मुंबई जा रहे हैं आपका. आप सबको अच्छा लग रहा है. थैंक यू वेरी मच. देखते रहिए, स्ट्रीम करते रहिए, पोस्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए. काफ़ी कुछ आने वाला है इस वक्त. आई थिंक टाइम नहीं है वक्त भी इतना पता नहीं है. बट अगली बार चलो मिलेंगे. और देखिए नई मुंबई बिल्डर्स एसोसिएशन के रियल इस्टेट का इंट्रोडक्शन करने का जो प्रोग्राम होता है वो आज वासी सिडको एग्जीबिशन सेंटर में संपन्न हुआ. इस समय पुरन के आमदार महेश जी बाल्दी है, पनवेल के म्यूनसिपल कमिश्नर देशमुख साहब है, संजू नायक, सागर नायक, रामचंद्र गरत, ये सब हमारे साथी लोग हम लोग इधर जमा हुए हैं. ये साई पैराडाइज जो ग्रुप है ये ग्रुप का ये उन्होंने एक रोम यानी यूरोप को नज़दीक लेके जाने का यूरोप के नज़दीक लेके जाने का यहाँ पे वातावरण बनाया है. सभी बातों से नई मुंबई के बिल्डर एसोसिएशन को बहुत समस्याएं हैं. यहाँ पे नई मुंबई कॉरपोरेशन है, पनवेल कॉरपोरेशन है और उरन में अभी तक कॉरपोरेशन नहीं आई. सिडको है, नैना है. अभी नई मुंबई महापालिका क्षेत्र में ऑलमोस्ट 95% सिडको की ज़मीन यूटिलाइज हो चुकी है. पनवेल कॉरपोरेशन में नैना को पकड़ के करीबन 90% जगह बाकी है. उरन में 5% ज़मीन यूटिलाइज हुई है, 95% जगह बाकी है. लेकिन बिल्डर लोग आज के तारीख में इतने खुश नहीं है. अभी उसके बहुत सारे कारण हैं. ये इधर आपके वार्तालाप में वो चीज़ को उजागर करना सही नहीं है. लेकिन आने वाले दिनों में वो सब चीज़ से रास्ता निकलेगा. ये बिल्डर लोग जो आशा लेके बैठे हैं, अभी आज मैं बोल रहा हूँ कि कुछ 50 बिल्डर लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, 40 बिल्डर है और 10 बैंकर्स हैं. लेकिन कोई प्रॉब्लम ये न होते तो मैं समझता हूँ ये संख्या 150 तक पहुँचती थी. लेकिन अगले साल में 150 तक पहुँचेगी ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ. और इनके एग्जीबिशन को मैं शुभकामनाएं देता हूँ. नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नई मुंबई महापालिका, पनवेल महापालिका का उरन का जो हिस्सा है, ये तीनों को सेंटर में आगे चल के ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से ये शहर की तरक्की तो होने वाली है. बिल्डर लोगों के दिन भी आज भी अच्छे हैं, लेकिन उसमें कई रुकावटें हैं. वो रुकावटें निकलने के बाद में वो स्पीड पकड़ेगी और भविष्य में जैसे नई मुंबई को भारत में तीसरा नंबर का प्राइज मिलता है, जल्दी पनवेल को भी वो दर्जा मिलेगा ऐसा मैं आशा करता हूँ. क्योंकि देशमुख जी के जैसे एक यंग डायनामिक म्यूनसिपल कमिश्नर वहाँ पे आए हैं. हमारे महेश जी बाली जो उरन इलाके का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रशांत ठाकुर पनवेल के अभी वो इधर होते तो उनका मैं नाम जरूर लेता. लेकिन प्रशांत ठाकुर जैसा मैच्योर्ड लीडरशिप इधर है, महेश बादली जैसा उरन में है. और मैं समझता हूँ कि ये तीनों शहर तरक्की करेंगे और ये शहर की तरक्की के साथ में बिल्डर लोगों की तरक्की हो जाएगी और जनता की सुख की नौका पार हो जाएगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ. जो मैं आया हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो लोगों को जो कुछ भी दुख है हमें बोलो. लेकिन वो बिल्डर लोग क्या कर रहे हैं, सर दर्द हो रहा है लेकिन पैर को वो मलहम लगा रहे हैं. तो उनको बोल रहा हूँ कि सही जगह पे मलहम लगाओ ताकि उसमें से रास्ता निकल जाए.